हिस्ट्री में जो मंशा लद्दाख के लोगों की पुराने डिमांड है, लद्दाख का यूटी का डिमांड है, उसके लिए एक स्टेप बढ़े हैं। लद्दाख को डिवीजन आज मिला। हम कभी भी बोलते थे लद्दाख जम्मू कश्मीर के झंडे पे तीन लाइन होते हैं, वो बराबर कभी नहीं हुआ। आज ये तीनों लाइन बराबर होने जा रहा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर करके हमारे पूरे खत्ते को बराबरी का दर्जा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिले हैं। आज हमें लद्दाख डिवीजन मिले हैं तो यूटी के इंस्पिरेशन हमारा टोटल हमारा डिमांड है, उसके आगे हम एक स्टेप बढ़ रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों 3 तारीख को यहाँ बताया थे कि लद्दाख के लोगों को जम्मू या कश्मीर जाना अब नहीं पड़ेगा। ये संकेत दे चुके थे कि प्रधानमंत्री जी के वापस जाने पर ही जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को एक डिवीजन देगा। आज ये फुलफिल गवर्नर साहब ने अनाउंस करके हमारे लद्दाख के लोगों की जिंदगी में बहुत एक खुशी का लहर लाया है। ये जो आप जो स्टेटस मिला है तो वो आपका 2019 या 20 इलेक्शन स्टार्ट कैसे? जिस प्रकार से आप सबके जानकारी में ये आया हुआ है कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रहा है, उस सरकार ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर में, जब प्रेसिडेंट रूल जो आजकल चल रहा है, इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सक्षम नेतृत्व में जो निर्णय लिया था लद्दाख को एक अलग से डिविजनल स्टेटस जो दर्जा देने के लिए, तो इस निर्णय को हम पूरे लद्दाख के जितने भी जो लद्दाख के वासी है, लद्दाख के जो जनगण है, सभी के ओर से, मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के ओर से, पूरे लद्दाख के ओर से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य में जो माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी के जो लीडरशिप में जो चल रहा है, मैं सबको पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं पूरे लद्दाख के वासियों को एक बार गहरे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये निर्णय जो है, हम ये समझते हैं कि ये लद्दाख को इससे दशकों पहले जो मिल जाना चाहिए था, लेकिन तब की सरकार ने इसको जो ध्यान नहीं दिया, जो आज पूरा धीरे धीरे जो फुलफिल हो रहा है। ये डिविजनल स्टेटस जो लद्दाख को घोषित करने से हमारे जितने भी जो विकास के कार्य है उनको एक शीघ्र पूर्ण एक जोर मिलेगा, एक बाल मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी मुलाजिम तबके जो यहाँ से श्रीनगर जाना होता था, और यहाँ से जो हमारे खासकर पुलिस में जो सर्व करते जो हमारे भाइयों और बहनों, वो सब जो है अभी श्रीनगर जो जाना नहीं पड़ेगा, ये लद्दाख में एक पुलिस रेंज खोल के जो पूरे लद्दाख में ही साफ करेंगे। तो इसी के साथ साथ आने वाले पीढ़ी जो है लद्दाख के भविष्य एक विकास को जो नया ऊर्जा जो हम देखने को मिलेगा, इन सब को लेके मैं एक बार फिर से पूरे लद्दाख वासियों को मैं एक बार फिर से अभिनंदन जो बहुत बहुत बधाई जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। जो डिविजनल स्टेटस लद्दाख को गवर्नर साहब के राज में या राष्ट्रपति शासन में जो डिक्लेयर हुआ है, वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि लद्दाख के आइडेंटिटी को, जो हम हमेशा बोलते थे कि जम्मू कश्मीर तीन अलग अलग आइडेंटिटी के ऊपर मुश्तमिल है, जम्मू कश्मीर लद्दाख इथनिकली लिंग्विस्टिकली कल्चरली ज्योग्राफिकली हम एक दूसरे से बिल्कुल कोहिजन नहीं रखते हैं, इसलिए हम यूटी मांग रहे थे। लेकिन आज जो आज तक जो नहीं हुआ था कि डिवीजन अलग करके लद्दाख को एक रिकॉग्निशन मिला है कि ये जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, तीन हिस्सों में से एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको रिकॉग्निशन मिला है, खुशी की बात है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इससे खासकर जो बीजेपी पार्टी क्रेडिट लेना चाहता है कि हमने बनाया, हम तो समझते हैं कि आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपका हुकूमत तो 4 साल था पीडीपी के साथ, उस वक़्त कोई जिक्र नहीं था। जब यहाँ ठीक से कंस्टिट्यूएंसी में आपकी हार हुई, जब ले म्यूनसिपलिटी में आपके खिलाफ पूरा स्वीप हो गया, कांग्रेस के हक में आ गया, आपके जो एमपी है जो हमने यूटी के नाम पे जिता के दिया था, उन्होंने जब रिजिग्नेशन दिया, इन सब को डैमेज कंट्रोल के लिए ये एक एक्सरसाइज है।
और हम समझते हैं कि हम इतने भी नहीं हैं कि हम यूटी के बदले में डिविजनल स्टेटस ये हो नहीं सकता, लेकिन खुशी की बात है ये एक बहुत बड़ी एक वाका है। एक मैं समझता हूँ कि यूटी की डिमांड करते हुए हमको ऐसी चीज़ें प्लेटर पे और भी बहुत मिलेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम इससे बेवकूफ़ हो जाएंगे। हमारी यूटी की डिमांड बरकरार है। सादे सर गवर्नर साहब को हम बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारी जो आइडेंटिटी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, बहुत बड़ा हमको इनक्रेज किया कि जम्मू कश्मीर का हम एक ऑफिशियली एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जिसको जो यूटी के डिजर्व करता है ज्योग्राफिकली, इथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली हम बाकी हिस्सों से अलग थलग हैं, हम डिजर्व करते हैं, इसको बूस्ट मिला है, हम इनका बहुत मशहूर हैं।